अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटा, हम मुताले कुरान हकीम में से सूरतुल बकरा पढ़ रहे हैं। इसमें से आयात 83 ता 121, ये लेसन नंबर 4 में है। लेसन नंबर 4 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। फर्स्ट हाफ हमने कर लिया था, आज हम हिस्सा दोम पढ़ेंगे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आयात 97 ता 103 की रोशनी में जवाब दें कि बनी इसराइल किस तरह का जादू सीखते थे और जादू की हकीकत को कैसे वाजे किया गया है। तो आंसर है कुरान करीम की आयत की रोशनी में, बनी इसराइल इस तरह का जादू सीखते थे जिसके जरिए वो मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल सकें। और लोग उनसे वो सीखते थे जिसके जरिए वो जुदाई डालना चाहते थे एक शख्स और उसकी बीवी के दरमियान, यानी घरों को तबाह कर देते थे। जब मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो तो जाहिर है घर की बुनियाद ही हिल जाती है। तो वो ऐसा जादू सीखते थे जिसकी वजह से या जिसके जरिए वो मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके उनमें जुदाई डाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, आयात 97 ता 103 की रोशनी में जवाब दें कि बनी इसराइल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से क्यों अदावत रखते थे। तो आंसर है, बनी इसराइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानते थे, मगर उन पर वही लाने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन समझते थे। वो कहते थे कि फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारा दुश्मन है, हम पर अजाब लेकर आता है, लिहाजा हम उनकी लाई हुई वही पर ईमान नहीं लाएंगे। जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो वो जान ले कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस कुरान को अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजल फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलमन काना अदुवल जिब्रील, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कौन दुश्मन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो वो जान ले कि बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तो इस कुरान को अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजल फरमाया। मुसद्दिकल लिमा बैन यदैहि, ये उन किताबों की तस्दीक करता है, यानी कुरान करीम उन किताबों की तस्दीक करता है जो उससे पहले हैं। वहुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, और हदायत और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। लिहाजा जो कोई जिब्राइल इस्लाम को अपना दुश्मन समझता है वो सरासर गलती कर रहा है, क्योंकि हजरत जिब्राइल इस्लाम अल्लाह के हुक्म से इस कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल फरमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयात 113 ता 121 में मसाजिद का क्या अदब बताया गया है। तो आंसर है, आयात 113 ता 121 में मसाजिद का अदब बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़्कारा फी हस्मुहु, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मसाजिद से रोकता है अल्लाह की मसाजिद को नाउज बिल्ला बेआबाद करने की कोशिश करता है, वो बहुत बड़ा जालिम है। मजीद फरमाया कि जो कोई रोकता है कि मसाजिद में अल्लाह ताला के नाम का जिक्र किया जाए, वसा फी खराबिहा, और उन्हें वीरान करने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों के लिए फरमाया, उलाइका, ये ऐसे लोग हैं, मा कान लहुम अन यदखुलूहा, उनको कोई हक नहीं कि वो इन मसाजिद में दाखिल हों। मसाजिद में दाखिल कौन हो सकते हैं, इल्ला खाइफीन,
जो अल्लाह से डरते हैं उनका हक है कि वो मसाजिद में दाखिल हों, क्योंकि ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आकबत का बेहतरीन अंजाम रखा है। जो अल्लाह से डरते हैं और उसके अहकामात पर अमल पैरा होते हैं उन्हें चाहिए कि वही मसाजिद में दाखिल हों। उन लोगों को मसाजिद में दाखिल होने का कोई हक नहीं जो अल्लाह ताला के नाम का जिक्र करने से रोकते हैं और मसाजिद को वीरान करने की कोशिश करते हैं। ये था लेसन नंबर 4 जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।